हे पावरफुल वुमेन, मेरा नाम राबे नासिर महमूद है और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ द लीडिंग वुमेन इन द वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि ई कॉमर्स और डिजिटल सॉल्यूशंस की कंपनी है। हम अपने कस्टमर्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेटजीज देते हैं कि किस तरह वो अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और कम से कम कॉस्ट में, और इसके अलावा ऐसा बिजनेस जो उन्हें सस्टेनेबल लेके चले और रेवेन्यू दे और प्रॉफिट दे और अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो पाए। सो हम बिजनेस को हेल्प आउट करते हैं कि किस तरह वो स्टार्ट करें अपने आप को, किस तरह से रन कर सकते हैं। अगर आप एस्टेब्लिश बिजनेस हैं तो किस तरह आप ग्रो कर सकते हैं, ग्रोन बिजनेस हैं तो किस तरह आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जब आप ये सीख जाते हैं तब आपकी आसानी हो जाती है कि किस तरह आप चीज़ों को लेके चलें। आपकी मदद और आसानी के लिए हमने 90 डेज स्टार्टअप की सीरीज़ में तकरीबन 19 वीडियोस बना रहे हैं और इन वीडियोस से आप बहुत ज़्यादा गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। अगर आप वाकई सीरियस हैं अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए तो आपकी मेरी जो ये 19 वीडियोस हैं हमारी, ये आपको बहुत ही मदद देंगी अपना बिजनेस इनिशियली एस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि स्टार्ट से जो हमने बात की है वो बात की थी नीश सिलेक्शन के बारे में, हमने बात की बिजनेस मॉडल के बारे में, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी के बारे में, वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, ईमेल मार्केटिंग के बारे में, एसईओ के बारे में, उसके बाद पेड एडवर्टाइजमेंट की बात की हमने, हमने बात की ई कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में, इसके अलावा हमने बात की है कस्टमर रिलेशनशिप सर्विसेज के बारे में, डेटा एनालिसिस और एनालिटिक्स के बारे में बात किया हमने, और आज हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि जब आप अपने बिजनेस को इस जगह तक लेके आते हैं तो आप इस स्टेज पे होते हैं कि आप जो डाटा, आपको डाटा एनालिसिस यानी कि जो हमने कल बात की थी, तो डाटा एनालिसिस से आपको डाटा हासिल हुआ है सारे टीम का कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। हम उसी को आगे लेके चलेंगे कि किस तरह हम उसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह वो जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं उसको किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मेरी ये हमारी ये जो वीडियो हैं ये आपके लिए हेल्पफुल तो होंगी अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, इन पे सर्च आउट करेंगे और अपनी जो है माइंड को क्लियर करेंगे कि आपने अपने बिजनेस में क्या करना है, तो आपको हेल्प होगा। अगर आप मज़ीद आप चाहते हैं कि आप हमसे कंसल्टेशन लें तो आप इस वीडियो के नीचे एक हम फॉर्म लगा देंगे, उस फॉर्म को फिल करें, आप वन टू वन मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेंगे। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि नाम से जाहिर है कि किस चीज़ को कन्वर्ट करना। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट एक ई कॉमर्स का स्टोर है और उस पर बहुत ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं उसके मुख्तलिफ पेजेस पे। अब आप क्या करेंगे, वो जो विजिटर्स आ रहे हैं और आप डाटा एनालाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अच्छा हमारी वेबसाइट पे इतना रश है तो उस पर इतने हमारी सेल हो रही है। अब आप चाहते हैं कि विजिटर तो ज़्यादा हैं तो कन्वर्जन हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। इसी अमल को हम कहते हैं कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, के हम देखते हैं ऑलरेडी जो कन्वर्जन हो रही हैं उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज कैसे करना है। उसको हम जो है ऑप्टिमाइजिंग वेब एक्सपेरिमेंट से करेंगे हम, कि हम ये करेंगे कि जिसके मीडियम के थ्रू क्लाइंट हमारे पास, कस्टमर हमारे पास आ रहा है, उस का एक्सपीरियंस जो है, जो यूज़र आएगा उसका एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त होना चाहिए हमारी वेबसाइट पे कि वो लेने पे मजबूर हो जाए वो चीज़। तो इस प्रोसेस को जब हम करते हैं तो इसको कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और होता ये उस मीडियम पे है जिसके थ्रू प्रोडक्ट्स सेल की जा रही होती हैं। अगर आप वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं अपनी कोई भी चीज़, तो आप वहाँ जो लोग आ रहे होंगे उनको प्रॉपरली जो है मज़ीद अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। इससे होगा क्या, इससे आपकी जो प्रोडक्ट की एक्विजिशन कॉस्ट है वो कम होती है, आपके जो विजिटर्स होते हैं वो आपके क्लाइंट्स में बदलते हैं, और आपकी वैल्यू वर्क की, आपकी वेबसाइट की और आपके प्रोडक्ट्स की जो सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं उसकी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट पे 2000 विजिटर्स हैं और उसका कन्वर्जन रेट जो है वो 10% है सपोज, तो उसकी जो लीड्स उसमें से निकल के आएंगी, कन्वर्जन जो निकल के आएंगी वो 200 के करीब होंगी। तो इसी तरह अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो हम कुछ तब्दीली वेबसाइट के अंदर या मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर ला करेंगे तो ये इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने बताया आपको ई कॉमर्स का आपका स्टोर बना हुआ है, उसमें एक पेज बना हुआ है हैट्स का,
और उस पर विजिटर तो ज़्यादा हैं लेकिन उस पर जो है कन्वर्जन इतनी नहीं है, तो हम थोड़ी सी तब्दीली लाएंगे इस तरह की कि उसमें उसका एक्सपीरियंस उस पेज का बेहतर करके, या हम देख के कि वहाँ जो डाटा है वहाँ मौजूद के विजिटर्स आए हैं, वहाँ बात क्या हो रही है, वो सवाल किस किस्म के कर रहे हैं, आखिर क्या बात है कि वो डिसीजन मेकिंग नहीं करें, तो हम उसमें थोड़ी सी तब्दीली ऑब्जर्व प्रॉपर करके तब्दीली लाएंगे वहाँ, और उससे हमारी कन्वर्जन होने लग जाएंगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वेब एक्सपीरियंस जो वेब ऑप्टिमाइजेशन एक्सपीरियंस है उसको हम बेहतर करेंगे। वेब हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो यूज़र फ्रेंडली है, मज़ीद वो उस पर आसानी से चीज़ें कार्ट में ऐड हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, अगर सवाल पूछ रहे हैं तो प्रॉपर उनको उनके सवालों का जवाब मिल रहा है, वो सेटिस्फाई हो रहे हैं और डिसीजन मेकिंग प्रॉपर कर पा रहे हैं, तो कहाँ खराबी आ रही है हमें वो प्रॉपर सही करनी पड़ेगी। इसका फार्मूला वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका फार्मूला यह है कि आप लिखेंगे कि टोटल जो है कन्वर्जन ओवर टोटल विजिटर मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इस अपने बिजनेस में अप्लाई करने लगे तो आप ये करके देखिएगा, आपको आसानी से टोटल उसकी कन्वर्जन पता चल जाएंगे कि कितने विजिटर्स हैं और कितनी कन्वर्जन होती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं, एक वेबसाइट आपकी जिसके थ्रू मीडियम आपका जिसके थ्रू वो खरीदारी हो रही है, वो चाहे वेबसाइट है, वो चाहे एफबी का पेज है आपका, इंस्टाग्राम का पेज है, लिंक्डइन का पेज है, या जो भी मीडियम है आपका, वो आपका अहम है। और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बहुत ज़्यादा अहम है, कस्टमर के साथ बातचीत भी बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं पर दो जो बहुत अहम है वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और आपकी जो है वेबसाइट जिसके थ्रू आप चीज़ें बेच रहे हैं अहम है। तो अगर आपकी विजिटर्स और कन्वर्जन्स ज़बरदस्त है तो आपको कोई चीज़ तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि विजिटर्स ज़्यादा है और कन्वर्जन्स कम हो रही हैं तो फिर आपको उसको काम करने की ज़रूरत है दोनों पे। अगर आप समझते हैं कि विजिटर कम है तो उस पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है और आप अपनी वेबसाइट पर ट्रेनिंग ला के मार्केटिंग स्ट्रेटजी को और बेहतर करके आप कन्वर्जन्स कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। अब डिफरेंट वेबसाइट का डिफरेंट पर्पज होता है कन्वर्जन का। मिसाल के तौर पर किसी वेबसाइट पे अगर वो ये समझते हैं कि लोग अगर आएंगे हमारी वेबसाइट से परचेज करेंगे तो इसको वो कन्वर्जन कह रहे हैं। तो किसी वेबसाइट का ये मकसद है कि लोग आएं और हमारे जो न्यूज़ लेटर है उसको सब्सक्राइब करें, तो ये उसके लिए कन्वर्जन है। कोई कहता है कि कोई वेबसाइट के जो ऑनर है वो ये कहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे अगर आप आएं तो ये फॉर्म फिल कर दें कॉन्टैक्ट का, ये उनके लिए कन्वर्जन है। इसके अलावा कोई वेबसाइट वाले ये कहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड रिसोर्स करें, ये उनके लिए कन्वर्जन है। सो मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के उस वक्त वो किस चीज़ को फोकस करना चाह रहे हैं कि विजिटर्स आएं और वो क्या करें, क्या वो एड्स पर क्लिक करें, क्या वो जिस तरह सब्सक्राइब करें न्यूज़लेटर्स, या वो क्या करें कंसल्टेंसी के लिए कॉन्टेंट फॉर्म फिल करें। सो कॉल टू एक्शन बहुत अहम है, मतलब आपने कोई पेड कंपेन चलाई है, आप वेबसाइट के थ्रू कोई सेल करना चाह रहे हैं, सो आप कॉल टू एक्शन देंगे तो आपका विजिटर आएगा तो वो फिर जो है या तो प्रोडक्ट लेके जाएगा, सर्विसेज लेके जाएगा, या वो कंसल्टेंसी लेगा, या वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा आपकी वीडियो से और उसके थ्रू जो है आगे बढ़ेगा। सो इट डिपेंड्स कि आप उस सारे जो काम है उसको किस लिए कर रहे हैं और कन्वर्जन्स आपके लिए क्या है। सो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेबसाइट आपको अच्छा अर्न करके दे रही है, आपका काम, आपका कहीं भी प्लेटफॉर्म जहाँ आपने बनाया हुआ है आपको अर्न करके दे रहा है, आप उस प्रोसेस को मजीद ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे उसी तमाम एक्सपीरियंस को मजीद बेहतर करके। सो कल एक और वीडियो के साथ आपके साथ होंगे हम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।